श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 23 श्लोक संख्या 11। देवहूति ने आगे कहा, हे प्रभु, मैं काम वेदना से पीड़ित हो रही हूं, अतः आप शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यवस्था की जानी हो करें, जिससे काम इच्छा संतुष्ट न हो पाने से यह मेरा दुर्बल शरीर आपके योग्य हो जाए। हाँ स्वामी, इस कार्य के लिए उपयुक्त घर के विषय में भी विचार करें। तात्पर्य, वैदिक साहित्य केवल शिक्षाओं से ही पूर्ण नहीं है, अपितु सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से भौतिक अस्तित्व के लिए करणीय के विषय में भी सहायक है। अतः देवहूति ने अपने पति से पूछा कि वैदिक शिक्षाओं के अनुसार विषय जीवन के लिए वह किस प्रकार अपने को तैयार करे। विषय जीवन का मुख्य उद्देश्य अच्छी संतान उत्पन्न करना है। अच्छी संतान उत्पन्न करने की परिस्थितियों का वर्णन काम शास्त्र में प्राप्त है। शास्त्रों में जिस जिस वस्तु की आवश्यकता होती है सब कुछ वर्णित है। कैसा घर हो, कैसी सजावट हो, पत्नी कैसा वस्त्र धारण करे, किस प्रकार उबटन सुगंधि लगाए तथा अन्य हाव भाव बनाए। ऐसा करने से पति उसकी सुंदरता से आकृष्ट होगा और उपयुक्त मानसिक स्थिति तैयार हो सकेगी। तब संभोग काल की यह मानसिक स्थिति पत्नी के गर्भ में स्थानांतरित हो सकेगी और उस गर्भ धारण से अच्छी संतान उत्पन्न हो सकती है। यहां पर देवहूति के शारीरिक वैशिष्ट्य का विशेष उल्लेख है। वह अत्यंत कृशकाय हो गई थी, अतः उसे भय था कि हो सकता है कि वह कर्दम को आकर्षक न लगे। वह जानना चाहती थी कि पति को आकर्षित करने के लिए शरीर को किस तरह सुधारे। जब संभोग काल में पति आकृष्ट होता है तो पुत्र उत्पन्न हो सकता है, किंतु जब पति पर पत्नी आकृष्ट होती है तो कन्या उत्पन्न हो सकती है। इसका उल्लेख आयुर्वेद में है। जब स्त्री की कामेच्छा प्रबल होती है तो कन्या के उत्पन्न होने की और जब पुरुष की कामेच्छा प्रबल हो तो पुत्र उत्पन्न होने की संभावना रहती है। देवहूति काम शास्त्र में वर्णित व्यवस्था के अनुसार अपने पति की कामेच्छा को प्रबल बनाना चाह रही थी। वह ऐसी ही शिक्षा चाह रही थी। साथ ही उसने विनय की कि एक उपयुक्त घर की भी व्यवस्था हो, क्योंकि जिस कुटी में कर्दम मुनि रह रहे थे वह अत्यंत सादी और सत्वगुण से युक्त थी, जिसमें कामेच्छा के उत्पन्न होने की संभावना कम थी। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। सामान्यतया लोग विचार करेंगे कि श्रीमद् भागवतम में इन विषयों की चर्चा क्यों की गई है, किस प्रकार से एक पुरुष और स्त्री की संगति होती है। भारतीय समाज में जहाँ ये वैदिक संस्कृति है, जहाँ आध्यात्मिक जीवन का मूल्य है, इन विषयों पर ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। इंग्लिश में उसे कहते हैं टैबू। हम देखते हैं जैसे विशेष रूप से बच्चे हैं या उनको इस विषय में जानकारी नहीं देते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में इन विषय की चर्चा क्यों हो रही है। श्रील प्रभुपाद यहाँ इस तात्पर्य में
इस तात्पर्य की शुरुआत इस विषय को समझाते हुए करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं वैदिक साहित्य केवल शिक्षाओं से पूर्ण नहीं है, शिक्षाएं अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान अपितु सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से भौतिक अस्तित्व के लिए करणीय के विषय में भी सहायक है। हम पूर्व कक्षाओं में भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वैदिक वाङ्मय ये कल्पतरु सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने के वृक्ष के समान है। हम देखते हैं कि अधिकांश लोग इस भौतिक जगत में अपनी भौतिक इच्छा या कामेच्छाओं को पूर्ण करते हैं, यही उनका उद्देश्य है। इच्छा द्वेष समुत्थेन सर्गे यान्ति परन्तप, इस जगत में आने का। और शास्त्र का जो अधिकांश भाग है कर्मकांड, भगवद गीता में भगवान कहते हैं पुष्पितम वाच, ये कैसे है फ्लावरी लैंग्वेज। तो लोग समझते हैं यही वास्तव में शास्त्र है, कि शास्त्र के विधि विधान या नियम पालन करने से हमारी भौतिक इच्छाएं पूर्ण होती है, यही जीवन का उद्देश्य है। तो ये सामान्यतः यही जीवन चल रहा है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि किस प्रकार से शास्त्र के विधान और यज्ञ विधि पालन करने से देवताएं प्रसन्न होते हैं, वो हमारी इच्छा पूर्ण करते हैं। इष्टान भोगान यो देवा दास्यन्त यज्ञ भाविता। तो ये सामान्य समझ है शास्त्र पालन करने की या शास्त्र जानने की। लेकिन श्रीमद् भागवतम ये सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है, हमें जीवन की वास्तविक सिद्धि, किस प्रकार से हम भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण शरणागति स्वीकार करें और भगवान की अहैतु की अप्रतिहता सेवा करें, जिससे ययात्मा सुप्रसीदति, जीव वास्तव में जो खोज रहा है, जो वास्तविक आनंद जो वो प्राप्त करना चाहता है और अंतोदगत्वा जो प्रयोजन है कि शुद्ध कृष्ण प्रेम, ये श्रीमद् भागवतम प्रदान करता है। तो वहां वर्णन है कि वैदिक वाङ्मय है वो सभी लोगों की जैसी उनकी मनोवृत्ति है उस प्रकार से उनको मार्गदर्शन देता है। जिसको अर्थ चाहिए उसके लिए अर्थ की व्यवस्था है, जिसको सुंदरता चाहिए किस प्रकार से वो प्राप्त हो सके, जिसको प्रतिष्ठा चाहिए और जिसे वास्तव में शुद्ध कृष्ण भक्ति चाहिए, वो भी किस प्रकार से उस परम गंतव्य को प्राप्त कर सके, ये वर्णन है। तो श्रीमद् भागवतम विशेष रूप से और शास्त्र जीवन की सिद्धि के बारे में शिक्षा देते हैं और किस तरह से हम इस सिद्धि को प्राप्त कर सकें। प्रैक्टिकल है ये, केवल थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है। जैसे लोग सोचते हैं कि धार्मिक जीवन मतलब एक हमारे दिनचर्या का समय, उनके लिए जो वास्तव में भगवत भक्ति या धर्म का जो अभ्यास है वो है कि 5 मिनट 10 मिनट कुछ पूजा करना, कुछ अगरबत्ती लगाना, विशेष त्यौहार पर कुछ व्रत पालन करना, कुछ अनुष्ठान करना और अन्य समय अपना व्यवहारिक जीवन, एक्चुअल जीवन हमारा वास्तविक जीवन, और कुछ समय हमें भगवान की सेवा में वो धार्मिक बनना चाहिए, ये सामान्य समझ है। लेकिन वास्तव में शास्त्र कहते हैं स्वरूप सिद्धि मतलब जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, नित्य दास हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास है, ये हमारा स्वरूप है। अभी भवबंधन में जब हम फंसे हैं, पूर्व तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जीव तटस्था शक्ति है, इसीलिए वो या तो अंतरंग शक्ति का आश्रय लेता है या बहिरंगा शक्ति का आश्रय लेता है। तो अभी वर्तमान में हम बहिरंगा शक्ति के पकड़ में हैं, इसके कारण हम वास्तव में हमारे स्वरूप में नहीं है, नित्य कृष्णदास।
लेकिन वास्तव में जीवन की सिद्धि ये है कि हम 24 आवर्स, हम 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। ये शास्त्र सिखाते हैं और भगवान के महान प्रतिनिधि आके हमें ये शिक्षा देते हैं। हम श्रील प्रभुपाद की कई तात्पर्य में इस चीज को प्राप्त करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं एंगेज 24 आवर्स इन डिवोशनल सर्विस, 24 घंटे भगवान की सेवा। लोग अच्छा लगता है लेकिन लगता है व्यवहारिक नहीं है, कैसे संभव है, कल्पना ऐसा लगता है। लेकिन वास्तव में यहां हम भगवान के महान भक्त से देख सकते हैं कैसे उनका जीवन 24 घंटे भगवत चेतना में है। बद्ध जीवन अर्थात हम देखते हैं बद्ध जीवन के लक्षण क्या है, आहार निद्रा भयमैथुनम च सामानमेतात पशुभिनराना। तो ये बद्ध जीवन के जो कार्य हैं कैसे भगवत चेतना में अर्पण हो सकते हैं ना, भगवान को प्रणाम कर लिया, कुछ प्रार्थनाएं कर ली, कुछ हमने अनुष्ठान कर लिया और फिर व्यवहारिक जीवन, अभी खाना है, सोना है ना, अपने आप को अलग अलग भय से रक्षण करना है और इंद्र तृप्ति, और इस इंद्र तृप्ति की जो परम अवस्था है वो पुरुष स्त्री आकर्षण। तो इन सब कार्यों में भगवत चेतना का कोई विचार नहीं है। यह सामान्यतया धर्म की समझ है, लेकिन वास्तव में हम यहां पर श्रीमद् भागवतम से देख सकते हैं कि कैसे भगवान के महान भक्तों का जीवन सभी कार्यकलापों में कृष्ण भावनामृत में है, भगवत चेतना में है। जैसे उदाहरण आता है अम्बरीश महाराज का, कैसे उन्होंने अपने मन को सबसे पहले भगवान के चरण में अर्पण किया, सवई मन कृष्ण पदारविंद यो हो, है ना, और फिर वाचामसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, वे जो भी बोलते हैं केवल वैकुंठ गुणानुवर्णने, भगवान के गुणगान, अपने कान से केवल भगवान के विषय में सुनते हैं, और इस प्रकार से अपने हाथ पांव सभी इंद्रियां उन्होंने भगवान की सेवा में अर्पण की। और अंत में वर्णन आता है कामम तो दास्य न तो काम कामया, उनकी जो भी अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो भी केवल एक ही है, केवल कैसे कृष्ण की सेवा की जाए, कैसे कृष्ण उनसे संतुष्ट हो। तो ये व्यवहारिक उदाहरण है कैसे 24 घंटे हम कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। और यहां इसी तरह से एक महान उदाहरण है देवहूति और कर्दम के बीच में, यहाँ जो चर्चा चल रही है और किस प्रकार से उनका जो संबंध था। सामान्यतः लगता है कि ये एक साधारण गृहस्थ पति पत्नी का जो आदान प्रदान है इस प्रकार से है, है ना, लेकिन देवहूति और कर्दम के बीच में जो संबंध है और उनका जो संयोग है वो साधारण नहीं है, क्योंकि इस संबंध से वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कपिल देव का आगमन होने वाला है। ये कोई साधारण संतान की उत्पत्ति नहीं है। सामान्यतः हम देखते हैं इस जगत में संतान की उत्पत्ति कैसे आती है, विचार नहीं होता है कि संतान को जन्म देना है। पुरुष स्त्री साथ में आते हैं, जहां धार्मिक नियमों का पालन होता है उनका साथ में आना विवाह एक औपचारिक विधि है, यहां पुरुष स्त्री साथ में आते हैं, लेकिन यह समझ है कि पुरुष स्त्री का साथ में आना उसका उद्देश्य इंद्र तृप्ति। ये समाज में ऐसी समझ है कि अभी धर्म अर्थ काम, इसीलिए जब हम देखते हैं कि हम आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते हैं जो नव दंपति है उनके बारे में, तो जो बड़े बुजुर्ग हैं कई बार बोलते हैं कि अभी अभी उनका अभी उनका समय ये नहीं, अभी तो उनको पैसा कमाना और थोड़ा इंद्र तृप्ति करना, अभी तो पारिवारिक जिम्मेदारी है, इतना सब आध्यात्मिक विषय में ध्यान नहीं देना चाहिए, वो बाद में रिटायरमेंट के बाद। तो ये समझ है कि पुरुष स्त्री साथ में आना उसका उद्देश्य है इंद्र तृप्ति, लेकिन शास्त्र ये नहीं कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि इंद्र तृप्ति जीवन के किसी भी सोपान पे, जीवन के किसी भी स्तर में इंद्र तृप्ति है नहीं, वास्तव में इंद्र तृप्ति से दुख मिलता है, यही संस्पर्श जाप होगा दुख यो नय एवते,
वास्तव में इंद्र तृप्ति से तो हमें बाहर आना है, तो ये उद्देश्य नहीं है, है ना। अब हम इस अवस्था में है कि हम इंद्र तृप्ति से प्रभावित हैं, तो किस तरह से ये इंद्र तृप्ति की वृत्ति को बदला जाए और ये जो इच्छा है उसको कैसे कृष्ण की इंद्रिय की सेवा में लगाया जाए, जिसे कहते हैं प्रेम। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। ये किस तरह से हम कर सकते हैं वो शास्त्र उपदेश देते हैं और महान भक्तों के व्यवहारिक जीवन से हमें बताते हैं कि कैसे उन्होंने इन इच्छाओं को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाया। तो यहां श्रील प्रभुपाद एक महत्वपूर्ण वाक्य लिखते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, विषयी जीवन का मुख्य उद्देश्य अच्छी संतान उत्पन्न करना है। विषयी जीवन, लाइफ ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो उसकी पराकाष्ठा है पुरुष स्त्री आकर्षण, जिसे कहते हैं मैथुन सुख। तो वास्तव में इसका उद्देश्य है कृष्ण भावना भावित संतान को इस जगत में लाना। भगवद गीता में भगवान इसे कहते हैं, धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभः। ये काम जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, अविरुद्ध है, वो मैं हूं। तो वास्तव में क्या है, कृष्ण भावना भावित संतान को इस जगत में लाना, और केवल लाना नहीं है, उनका प्रशिक्षण, जिससे वो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को समझे और अपना कल्याण करे और इस जगत के सभी लोगों का कल्याण करे। इसीलिए दक्षिण भारत में, जहां पर अभी भी हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृति के अवशेष अभी उपस्थित हैं, वहां विवाह को कहते हैं कल्याणम, कल्याण। कैसे कल्याण है इससे क्या कल्याण होने वाला है विवाह से? कल्याण ऐसे होने वाला है क्योंकि एक कृष्ण भावना भावित पुरुष और स्त्री की संगति से इस जगत में कृष्ण भावना भावित संतान का आगमन होगा, जिससे जगत का हित होगा। श्रील प्रभुपाद आगे के तात्पर्य में ये बताते हैं कि वास्तव में पुरुष और स्त्री का संगति होता है, स्त्री अर्थात विस्तार, विस्तारिणी यथा। तो हम देखते हैं जैसे पुरुष अकेले है तो उसकी आवश्यकता बहुत कम है, लेकिन जैसे ही वो स्त्री की संगति में आता है तो अतः गृह क्षेत्र सुत आप्त वित्त सब चाहिए। हम कई बार चर्चा किए पुरुष स्त्री आते तो घर चाहिए, केवल घर से नहीं होता है, अब घर में फर्नीचर चाहिए, फिर पर्दे चाहिए, और समाज में जो है वो हमारे पास, हमें वो भी चाहिए, है ना। उनके घर में ये है तो हमारे घर में भी ये होना चाहिए, फिर डाइनिंग टेबल चाहिए और ये चाहिए, और ऐसे बहुत सारी चीज़ों का विस्तार होता है। और फिर पुरुष स्त्री एक से दो होते हैं, दो से फिर संतान का आगमन होता है, तो तीन चार पाँच इस प्रकार से उनका विस्तार होता है और उनकी आवश्यकताओं का विस्तार होता है। और फिर हम देखते हैं कि एक समाज पूरा पुरुष के पक्ष से उनके संबंधी जन और स्त्री के पक्ष से उनका संबंधी जन, और इन सब की इन सब का जो संचालन आधार है वित्तय धन। तो इस प्रकार से एक पुरुष का इस भौतिक जगत में विस्तार होता है जैसे ही वो एक स्त्री की संगति में आता है, और आध्यात्मिक जीवन में एक प्रकार से उसकी प्रगति मंद हो जाती है सामान्यतया। लेकिन यदि पुरुष और स्त्री दोनों ही कृष्ण भावना में हैं तो क्या परिणाम होता है? श्रील प्रभुपाद यहां तात्पर्य में वर्णन करते हैं। पति तथा पत्नी के कायिक संयोग से उनके गुणों का विस्तार होता है, अच्छे माता पिता से उत्पन्न संतानें उनके व्यक्तिगत गुणों के ही विस्तार होती है। तो यदि वे दोनों ही कृष्ण भावना में हैं तो इन गुणों का विस्तार होगा।
और संतानें कृष्ण भावना में रहें, और फिर इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत का वातावरण इस जगत में बना रहेगा। ये उद्देश्य है विषय जीवन का। लेकिन वर्तमान स्थिति विपरीत है। हम समाज में बहुत सरलता से इंद्रदीप्ति हम देखते हैं। प्रहलाद महाराज यही कहते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं बहुत हैरान हूं कि कैसे लोग भगवान को भूलकर इस जगत में जी सकते हैं, और इंद्रदीप्ति को हमने एक हमारे जीवन का एक्सेप्टेड अंग बना लिया है कि ये तो स्वाभाविक है। जैसे विवाह होता है तो निश्चित अभी हनीमून के लिए कहां जाएंगे, अभी ये कैसे होगा, अभी वो कैसे होगा, है ना, ये एकदम नॉर्मल है, उसको स्वीकार करना। जबकि आध्यात्मिक जीवन जो मनुष्य जीवन का मूलभूत आधार है वो कठिन है। इन शिक्षाओं को प्राप्त करना और इन शिक्षाओं पर चलना, ऐसे उदाहरण भी नहीं है कि हम देख पाए। जैसे पहले हम देखते थे वैदिक समाज जब संगठित था तब एक आदर्श उदाहरण था। माता पिता को देखते थे कैसे उनका व्यवहार हो, अपने दादा दादी को देखते थे कैसे उनका व्यवहार हो, और समाज में जो एक व्यवस्था थी किस प्रकार से पुरुष और स्त्री उनके बीच में किस प्रकार सेपरेशन होता है, या जब वे साथ में आते हैं तो किस मर्यादा में आते हैं साथ में, एक उदाहरण था। आज ये पूरा नहीं है। एक भक्त से इस विषय में एक बार हम चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने उदाहरण दिया कि उनके दादा और दादी, उनकी 11 संतानें थी लेकिन उन्होंने कभी भी उनको साथ में नहीं देखा। तो इस प्रकार से ये समझ थी कि पुरुष स्त्री ये आकर्षण है, वे साथ में आते हैं लेकिन उद्देश्य है केवल संतानों को जन्म देना, विशेष रूप से कृष्ण भावना भावित संतान को जन्म देना। तो ये विचार, जैसे हम कुछ खाते हैं, खाने की इच्छा है लेकिन हम समझते हैं कि ऐसे नहीं है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उस चेतना में उसको बनाना, कृष्ण को अर्पण करना, और उस मनोभाव से कि ये भगवान का प्रसाद है, इसको प्राप्त करने से मेरी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होगी, इस भावना से उसे ग्रहण करना, है ना। कितना सारा इसमें महत्व है चेतना का। ऐसा नहीं कि मुझे ये खाना है इसलिए मैंने बना दिया, नहीं, वो चेतना अनुमोदित नहीं है भगवान की प्रसन्नता के लिए। हाँ, और भगवान को अर्पण करने के लिए वो चेतना, कई बार हम देखते हैं कि लोग इस तरह से अर्पण करते हैं जैसे भगवान कोई स्टैच्यू है। एक बार हम पुस्तक वितरण में थे, हम एक दुकान में गए ग्रंथ वितरण करने के लिए, जो दुकानदार है तो उन्होंने कहा ये लीजिए चॉकलेट, तो हमने कहा हम ये नहीं लेते, हम केवल कृष्ण प्रसाद लेते हैं। तो उसने उस चॉकलेट को लिया और वहां पर कृष्ण का चित्र था, उन्होंने यहां ऐसे लगाया ऐसे, और 2 सेकंड में कहा ये लो प्रसाद हो गया। तो हमने कहा भगवान इस तरह से प्रसाद, प्रसाद मतलब भगवान क्या कहते हैं, अश्नामी, मैं स्वीकार करता हूं, किस तरह से, पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्तया प्रयच्छति, भक्ति भाव से तदहम अश्नामी उपरितम। तो भगवान कोई एटीएम मशीन की तरह नहीं है कि हमने कार्ड स्वाइप किया और कुछ लक्ष्मी उसमें से बाहर आ रहा है। ये जो हमारा पूरा जो चेतना है कि पहले तो भगवान है नहीं या भगवान की सेवा नहीं, और सेवा है तो भी जैसे मुझे अच्छा लगेगा मैं उसे इस प्रकार से करूंगा, ये वास्तव में केवल क्रियाकलाप नहीं है, वास्तव में इन क्रियाकलापों से हमारी चेतना की प्रगति होती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कैसे हमारे चेतना का विकास हो, है ना। हम भगवान के दास हैं, हमारा कार्य है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, इस चेतना को विकसित करना, है ना। तो हम जब भगवान के लिए भोग बनाते हैं, हम जब भगवान को भोग अर्पण करते हैं, और केवल यही नहीं इसके बाद अभी मैं इसको भोग करूंगा, है ना, हम ये भगवान का प्रसाद है, भगवान की कृपा है, और किस तरह से मेरी आध्यात्मिक प्रगति होगी, ये विषय है। हाँ, तो हर कार्यकलाप से आहार निद्रा भय मैथुनम। तो यहां यह विषय है कि देवहूति कर्दम मुनि की सेवा जिस प्रकार से उन्होंने की, हमने विस्तार से चर्चा किया पूर्व श्लोकों में,
हाँ, और उस सेवा करने के पश्चात अब कर्दम मुनि उनसे प्रसन्न हुए हैं और कर्दम मुनि उनको कह रहे हैं कि मैं जो मेरी भगवत सेवा से जो मुझे प्राप्त हुआ वो मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, मैं वो तुम्हें दृष्टि दूंगा। तो देवहूति कपिल देव कर्दम मुनि से ये क्या आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, यहां इसका वर्णन है। तो वे यहां कर्दम मुनि को ये स्मरण करवाते हैं कि विवाह से पहले आपने मेरे माता पिता को वचन दिया था कि हमारी शारीरिक संगति से एक संतान की उत्पत्ति होगी, आपका वचन था। और ये वर्णन आता है कैसे गरिमामय है एक स्त्री के लिए एक महान गुणों के पति को प्राप्त करना, और उसी प्रकार उस पति की संगति से एक महान पुत्र को प्राप्त करना। ये उनकी सेवा का एक महत्वपूर्ण अंग है, ऐसे जीवों को इस जगत में लाना। और यहाँ माता देवहूति के लिए विशेष रूप से भगवान स्वयं आएंगे उनके पुत्र के रूप में। तो वे यहाँ पर उनसे ये निवेदन कर रही हैं कि उनसे शारीरिक संगति वे प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ये शारीरिक संगति केवल अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। इसका बहुत अच्छे से हम यहाँ विवरण देखते हैं किस प्रकार से ये चेतना दिव्य है, ये पूर्व श्लोकों में हम देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण एक चीज को हमें समझना कि वर्तमान स्थिति में यदि हम ये विचार करें कि एक पुरुष और स्त्री जब संगति करते हैं उस अवस्था में आध्यात्मिक विषय पर चिंतन करना या आध्यात्मिक चेतना का अस्तित्व होना यही अकल्पनीय है। शिक्षा तो नहीं है लेकिन इसका विचार करना भी अकल्पनीय। कैसे हम कृष्ण भावनामृत में पुरुष और स्त्री की संगति होती है ना, क्योंकि वास्तव में ये जो संगति है वो वास्तव में पूरा भोग पर आधारित है। लेकिन यहां वर्णन है कि कैसे जीवन के हरेक कार्यकलापों को कृष्ण की सेवा में नियोजित किया जा सकता है उस चेतना में, और उस चेतना के लिए तैयारी की जाती है। हाँ, कैसे तैयारी होती है हम यहां देखते हैं कि माता देवहूति कर्दम मुनि की जिस प्रकार से सेवा की है, कर्दम मुनि प्रसन्न हुए उनसे और अब वे कर्दम मुनि से निवेदन कर रही हैं कि कैसे इस चेतना में संगति हो। हाँ, तो यहां प्रभुपाद इसका अनुवाद करते हैं, अतः आप शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यवस्था की जानी चाहिए करें जिससे कामेच्छा संतुष्ट न होने हो पाने से यह मेरा दुर्बल शरीर आपके योग्य हो जाए। तो पहले कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार जो भी आवश्यक है उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके विपरीत वर्तमान जीवन में या हम देखते हैं कि इसी तृतीय स्कंध के पूर्व भाग में जहां दीति जिस प्रकार से कश्यप मुनि के पास जाते हैं वहां पर स्थिति विपरीत है, वहां शास्त्रों का विचार नहीं है, है ना। वे कहते हैं कि जिस प्रकार से एक हाथी केले के पेड़ को ध्वस्त करता है इसी प्रकार से कामदेव के बाण मेरी चेतना को ध्वस्त कर रहे हैं, मैं पीड़ित हूं काम इच्छा से, है ना, इसीलिए मैं तत्क्षण आपसे संगति प्राप्त करना चाहती हूं। और वहां कश्यप मुनि उनको मना कर कश्यप मुनि उनको समझाते हैं एक आदर्श पति की तरह कि अवश्य ही मेरा उत्तरदायित्व है तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करना, लेकिन आप कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए, ये समय सही नहीं है, ये उचित समय नहीं है। और वो वर्णन करते हैं कि इस प्रकार से संगति होगी तो क्या परिणाम होगा, ये पूरा विस्तृत वर्णन आता है। फिर भी ये सारी शिक्षा देने के बाद वहां विचार नहीं है कि क्या पति की प्रसन्नता है, पति की अनुमति है, उचित समय है, शास्त्रों का निर्देश है, नहीं। तो यहां एक श्लोक में वर्णन आता है कि क्या स्थिति थी दीति की, वर्णन, हे वीर विदुर, इस तरह काम वासना के कलमश से ग्रस्त और इसलिए असहाय एवं बड़बड़ाती हुई दीति को मरीचि पुत्र ने समुचित शब्दों से शांत किया। कि दीति की स्थिति थी, है ना,
वे कहते हैं, हे भीरु, तुम जो भी, तुम्हें जो भी इच्छा प्रिय हो उसे मैं तुरंत तृप्त करूंगा, लेकिन क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त मुक्ति की 3 सिद्धियों का स्रोत और कौन है। इस प्रकार से वे उनको सांत्वना देते हैं, लेकिन फिर भी दिति संतुष्ट नहीं होते हैं। और वे वर्णन आता है, मैत्री ने कहा, इस तरह दिति अपने पति द्वारा सूचित की गई, किंतु वह संभोग तुष्टि हेतु कामदेव द्वारा विवश कर दी गई। उसने उस महान ब्राह्मण ऋषि का वस्त्र पकड़ लिया, जिस तरह एक निर्लज वेश्या करती है। प्रभुपाद का तात्पर्य, एक विवाहित पत्नी और वेश्या में यही अंतर है कि एक शास्त्रों के विधि विधानों द्वारा यौन जीवन में नियंत्रित रहती है, जबकि दूसरी अनियंत्रित और एकमात्र प्रबल काम वासना द्वारा संचालित होती है। यद्यपि महर्षि कश्यप अति प्रबुद्ध थे, किंतु वे अपनी वेश्या पत्नी के शिकार हो गए। भौतिक शक्ति इतनी प्रबल होती है। तो हम देख सकते हैं कि कितना भेद है। यहां देवहूति संगति के लिए निवेदन कर रहे हैं, लेकिन बहुत स्पष्ट है, वो उनको कह रहे हैं कि शास्त्र के अनुसार जो भी हो उचित उसकी आप व्यवस्था करें। और फिर वो कहते हैं कि वास्तव में उनका जो शरीर है वो पूर्ण रूप से, यहां शब्द आता है, देवहूति के जो शरीर की अवस्था है उसका वर्णन आता है, कृशकाय, क्यों कृशकाय हो गई थी, क्यों कृशकाय हो गए थे, क्योंकि वे अपना स्वार्थ भूलकर, कर्दमुनि कहते हैं कि एक व्यक्ति को सबसे प्रिय अपना शरीर है, लेकिन आपने अपने शरीर के बारे में कुछ विचार नहीं किया, केवल मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य किया। और इस प्रकार से राजा की पुत्री है, हम देखते हैं कि जो क्षत्रिय परिवार में जन्म लेते हैं उनके उनका जो रूप है बहुत सुंदर होता है, तो लेकिन कृशकाय हो गए थे स्वार्थ के लिए नहीं। लेकिन वे फिर भी यहां कहते हैं कि कामेच्छा संतुष्ट न हो पाने से यह मेरा दुर्बल शरीर आपके योग्य हो जाए। वो कह रहे हैं कैसे ये शरीर सुंदर हो जिससे आप आकर्षित हो, इस शरीर से, ये शरीर से कैसे आपकी सेवा हो पाए। तो ये बहुत उन्नत आध्यात्मिक स्तर है जिसका यहां वर्णन आता है। जैसे ये विचार होता है कि माता देवहूति की भी कामेच्छाएं थी, लेकिन पूर्व श्लोकों में हम देखते हैं कि किस प्रकार से वे सेवा कर रहे थे। अपने माता पिता के चले जाने पर अपने पति की इच्छाओं को समझने वाली पतिव्रता देवहूति अपने पति की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी, जिस प्रकार भवानी अपने पति शंकर की सेवा करती है। फिर आगे वर्णन आता है, विदुर, देवहूति ने अत्यंत आत्मीयता और आदर के साथ इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रेम तथा मधुर वचनों से अपने पति की सेवा की। तो यहां स्पष्ट वर्णन है कि उनकी जो इंद्रियां हैं वो पूर्ण रूप से नियंत्रित थी। फिर आगे और वर्णन आता है, बुद्धिमानी तथा तत्परता के साथ कार्य करते हुए उसने समस्त काम, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप तथा मद को त्याग कर अपने शक्तिशाली पति को प्रसन्न कर लिया। और जो वर्तमान श्लोक हम पढ़ रहे हैं उसके पूर्व श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कर्दम मुनि तथा देवहूति दोनों को आत्मिक प्रकाश प्राप्त था, वो शारीरिक स्तर पे नहीं थे, अतएव देवहूति शुरू से ही चाह रही थी कि पहले वह गर्भ धारण करे, तब उसे भगवत कृपा तथा भगवत प्रेम प्राप्त हो। तो हम देखते हैं कि ये जो यहां देवहूति जिस प्रकार से कपिल देव से कर्दम मुनि से निवेदन कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक स्तर पर है, वो भौतिक स्तर पर नहीं है। वे कहते हैं शास्त्रों के क्या विचार हैं, इस शरीर किस प्रकार से सुंदर हो जिससे आप उस शरीर से प्रसन्न हो, और आपकी प्रसन्नता के लिए, क्योंकि ये वर्तमान जो जो हमारा निवास स्थान है, जो घर है, वो सत्वगुण, हम देखते हैं कि जो ऋषि मुनि हैं उनका जो निवास स्थान है वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है,
सामान्यतः हम देखते हैं कि पूर्व काल में जो ब्राह्मण उनके घर में फर्नीचर भी नहीं होता है, क्योंकि आवश्यकता नहीं है, वो बंधन का कारण है, उसके लिए और व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो अभी सृष्टि के लिए जो रजोगुण की आवश्यकता है, जो आकर्षण की आवश्यकता है, और उसके लिए एक अनुकूल वातावरण जो है, इसकी प्रार्थना यहाँ पर देवहूति कर्दम मुनि से कर रहे हैं। तो इसमें लेश मात्र भी स्वार्थ या इंद्रतृप्ति की इच्छा इससे पूर्ण रूप से मुक्त है ये स्थिति यहाँ पर, ये हम देख पाते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय हम यहाँ देखते हैं, अतः देवहूति ने अपने पति से पूछा कि वैदिक शिक्षाओं के अनुसार विषय जीवन के लिए वह किस प्रकार अपने को तैयार करे। तो भी हम सब जानते हैं कि हम सब इंद्रियों से प्रभावित हैं और हमारा विषय जीवन है, और हमारा उद्देश्य है विषय जीवन से कैसे बाहर आना। तो विषय जीवन से बाहर आने के लिए हमें मार्गदर्शन चाहिए, एक शिष्य को अपने आध्यात्मिक गुरु से मार्गदर्शन चाहिए, यही उद्देश्य है शिष्य को शरणागत होना। लेकिन ये नहीं जानते हैं, इसलिए शिष्य गुरु को शरणागत होते हैं और इच्छा करते हैं कैसे विषय जीवन और बढ़े, और वो गुरु सक्सेसफुल हैं जो शिष्य के विषय जीवन को और बढ़ाता है। हमें कई बार फोन आता है, हम हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, तो कैसा चल रहा है आपका जीवन? बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया, हमारा सब काम हो रहा है। तो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन या कृष्ण की कृपा या गुरु की कृपा, वो समझते हैं कि विषय जीवन को और विस्तार करना, लेकिन गुरु की कृपा है विषय जीवन को समाप्त करना और शुद्ध कृष्ण भक्ति में कैसे प्रगति करना। तो यहाँ देवहूति एक आदर्श पत्नी के रूप में अपने पति जो उनके गुरुजन हैं उनसे पूछते हैं कि कैसे विषय जीवन से बाहर, उसकी जो आकांक्षाएं कैसे उसको पूर्ण करना और कैसे उनसे बाहर जाना। एक चीज यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है कि कर्दम मुनि भी एक आदर्श पति है, वे आध्यात्मिक ज्ञान के सभी क्षेत्रों में निपुण हैं। ये एक पुरुष के लिए बहुत आवश्यकता है ना। यदि पुरुष ऐसी आकांक्षा करते हैं कि उनको एकदम समर्पित और धर्मनिष्ठ पत्नी मिले जो अपने सभी कर्तव्यों को पूर्ण करे, तो इसी तरह से एक पुरुष का कर्तव्य है आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण होना, क्योंकि वे नेता है, वे मार्गदर्शक है। तो यहां यह भी वर्णन आता है, समस्त प्रकार के दिव्य ज्ञान में अद्वितीय अपने पति को बोलते हुए देवहूति अत्यंत प्रसन्न हो गई। तो हम देखते हैं किस प्रकार से कर्दम मुनि आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत प्रबुद्ध थे और देवहूति एक आदर्श पत्नी की तरह अपने पति से पूछती है, उनसे शिक्षा प्राप्त करती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है यहां पर, इस तरह से उनका प्रशिक्षण हो। प्रशिक्षण केवल इस जंक्चर मतलब इस स्तर पे नहीं है, वास्तव में इस चेतना को प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन प्रशिक्षण है। बचपन से माता पिता का प्रशिक्षण, माता पिता का कर्तव्य है पुरुष जो उनके पुत्र हैं उनको आध्यात्मिक ज्ञान में प्रबुद्ध बनाना, जिससे आगे जाके वो एक परिवार का जिम्मेदारी ले सके, वो परिवार आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े और समाज पूरा आध्यात्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़े। और जो उन्नत श्रेष्ठ परिवार है, जैसे ब्राह्मण परिवार है या क्षत्रिय परिवार है जहां राजा बनने वाले हैं, तो विशेष ध्यान दिया जाता है कि पुरुष का इस प्रकार से प्रशिक्षण हो। और उसके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि पुरुष के प्रशिक्षण के लिए उनको घर से दूर जाना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का प्रशिक्षण। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांतो गुरोहितम, इंद्रिय संयम के प्रशिक्षण के लिए उसे गुरुकुल भेजना होगा। माता पिता इसका विचार नहीं करते, वे नहीं चाहते एक क्षण भी उनका बालक उनसे दूर जाए, ये अटैचमेंट है। और इस तरह से एक पुत्री का प्रशिक्षण सतीत्व में, चेस्टिटी,
इसलिए बचपन से हम देखते हैं उनको प्रशिक्षण, उनकी ये चेतना को विकसित किया जाता है कि किस प्रकार से उनका शरीर है वो पूर्ण रूप से ढका हुआ है, वे कॉन्शियस है इन विषय में, कैसे अपने सिर को कवर करना, किस प्रकार से उनका हाव भाव होना चाहिए, ये सब शास्त्रों के निर्देश हैं। शास्त्र में शुद्ध कृष्ण भक्ति के साथ साथ ये सभी निर्देश हैं। प्रभुपाद यहां तात्पर्य में इसका वर्णन करते हैं, शास्त्रों में जिस जिस वस्तु की आवश्यकता होती है सब कुछ वर्णित है। कैसा घर हो, घर कैसा होना चाहिए, कैसी सजावट हो और घर की सजावट कैसी होनी चाहिए। हम वर्तमान स्थिति में देखते हैं कि एकदम घर का जो वातावरण है वो केवल कामेच्छाओं को बढ़ाने वाला। जो युवा युवक है उनके घर में हीरो हीरोइन के फोटो होते हैं, और वास्तव में हम देखते हैं आज से कुछ समय पहले भी अगर हम किसी पुण्यवान भारतीय घर में जाएंगे तो वहां भगवान का फोटो होता है ना, उससे चेतना भगवान के अलग अलग विग्रहों का चित्र होता है ना। फिर धीरे धीरे ये आधुनिक विचारधारा से प्रभावित होकर फिर स्वतंत्रता सेनानी सबके चित्र लगने लगे, महात्मा गांधी और ये सब का परिवर्तन। अभी स्तर ऐसा है कि हीरो हीरोइन और कार्टून कैरेक्टर्स, इस प्रकार से जो घर का जो सजावट होता है और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स, पूरा समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो यहां शास्त्र में वर्णन है घर की होनी चाहिए, पत्नी कैसा वस्त्र धारण करे। वर्णन है कि पति की उपस्थिति में वे अपने आप को सुसज्जित रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं ये मेरा जीवन है पति की प्रसन्नता के लिए, पति को आकर्षित करना। वर्तमान में हम देखते हैं स्त्रियों का ऐसा प्रशिक्षण है, वो ऐसे कपड़े पहनते हैं सबको आकर्षित करना चाहते हैं, हर पुरुष मुझसे आकर्षित हो। और इस प्रकार से पुरुष की चेतना पर बॉम्बार्डिंग है काम वासना का, और इस तरह से हम देखते हैं कि फिर स्त्रियों का शोषण होता है। क्यों शोषण, क्यों क्यों रुकेगा ये, जब शास्त्र कहते हैं हमारा सबसे बड़ा शत्रु काम है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन नित्य वैरिणम। भगवान कह रहे हैं कि विद्येन, ये जानो ये सबसे महान शत्रु है, कभी भी तृप्त नहीं होता है। एक समाज को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे हम उससे मुक्त हो सके, लेकिन इस समाज में इसका बॉम्बार्डिंग किया जा रहा है, वो समाज का कैसे हित हो सकता है। वो समाज का ध्वस्त होना निश्चित है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पुरुष की चेतना एकदम निम्न होना, ये काम वासना का जो पूरा उन पे प्रचार है, और स्त्रियों का स्वतंत्र अनुचित समय में अनुचित वस्त्र में भ्रमण करना केवल एक उद्देश्य के सब आकर्षित हो। हम देखते हैं ये स्पष्ट है, वैदिक सभ्यता में कपड़े इस तरह से पहनते हैं जिससे हमारी चेतना कृष्णमय बने। कई बार प्रश्न आप धोती कुर्ता क्यों पहनते हैं और माताएं साड़ी क्यों पहनती हैं, हम तिलक क्यों लगाते हैं, हम कंठी क्यों लगाते हैं। प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते हैं सांकेत्य, इस प्रकार के वस्त्र पहनने से, इस प्रकार का तिलक धारण करने से, कंठी धारण करने से एक व्यक्ति को तुरंत ही कृष्ण स्मरण होता है। हम देखते हैं हम रस्ते पे जाते हैं लोग कहते हैं हरे कृष्णा, ये हरे कृष्ण वाले हैं, इनके मंदिर में गया था वृंदावन, तुरंत ही ये स्मरण होता है। हाँ, ये सांकेत्य कि हमारे वस्त्र से एक तो हम सुरक्षित, जब हम इन वस्त्रों को धारण करते हैं तो हम समझते हैं हम भगवान के दास हैं, हम ये कार्य नहीं कर सकते है ना, हम नशा जुआ मांसार व्याभिचार इस अवस्था में नहीं कर सकते। और एक वातावरण हमें देता है, एक चेतना देता है और अन्य लोगों को शिक्षा देता है कि हम कृष्ण के दास हैं, और हमें ये शारीरिक स्तर से नीचे लाता है ना। और दूसरी तरफ ऐसे कपड़े हैं जिससे अंगों का प्रदर्शन हो और केवल काम वासना में वृद्धि हो। तो ये सब समान है ना, टाइट जीन्स टी शर्ट और कम कपड़े पहनना या फटे हुए कपड़े पहनना, इसे हम कहते हैं हाई क्लास, एक्चुअली लो क्लास है, दिस इज नॉट हाई क्लास है ना, क्योंकि हमारी चेतना लो क्लास है इसलिए हम इसे हाई क्लास समझते हैं। तो यहां हम देखते हैं कितना उन्नत चेतना है के संगति के समय भी कैसे कृष्ण भावनामृत हो,
इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित संतान का आगमन हो। यहाँ एक एक चीज का वर्णन है, किस प्रकार से पत्नी का व्यवहार हो, पति के लिए अपन सजान जो जो भी सजावट है वो पति के लिए, अन्य नहीं। प्रभुपाद कहते हैं कई वार्तालाप में कि पति की अनुपस्थिति में वे एकदम साधारण जीवन जीते हैं। इससे कई बार पता चलता है कि पति घर पे है या नहीं, ये सांकेत्य है, है ना। और जिनके पति शरीर त्याग करते हैं हम देखते हैं उनका जीवन कैसा है, उनके कपड़े कैसे हैं, साधारण एकदम वैराग्यपूर्ण जीवन है उनका। तो ये एक उन्नत समाज है। यहां पर प्रभुपाद एक वार्तालाप में बताते हैं कि एक स्त्री जिस प्रकार से बाल धारण करती उससे पता चलता है ये भद्र नारी है या अभद्र नारी है, उसके बाल धारण करने से। इसलिए वर्णन आता है कि कभी स्त्रियों के बाल खुले नहीं होने चाहिए। एक सती स्त्री कभी अपने बाल खुले नहीं रखे, इसलिए ये भी बचपन से प्रशिक्षण है ना। हम देखते हैं कि बचपन से हम चाहते हैं बच्चे फैशन शो में जाए, एक फैशन मॉडल की तरह ट्रेन हो, और फिर आगे जाके हम चाहते हैं कि वो भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ जाए, कैसे होगा ये, है ना। तो ये जो यहां हम देखते हैं कि माता देवहूति अपने पति को शरणागत होकर उनसे सीख रहे हैं कि कैसे होना चाहिए, तो ये पति से शिक्षण और पिता से शिक्षण। बचपन में पिता जो शिक्षण देते हैं उसी का वृद्धि होता है पति के माध्यम से। तो ये ट्रेनिंग बचपन से होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि बचपन में हम हमारा व्यवहार और हमारे वस्त्र इस तरह से और एकदम से हम तुरंत ही हमारी चेतना का वृद्धि होगा। तो माता पिता द्वारा, और भी एक महत्वपूर्ण है कि घर में और जो बड़े हैं, गुरु मतलब गुरुजन, तो दादा दादी उन सबका भी महत्वपूर्ण कर्तव्य योगदान है उन चेतना को प्रदान करना। तो यहाँ स्वयंभू मनु किस प्रकार से देवहूति को प्रशिक्षित किए, यहाँ कर्दम मुनि किस प्रकार से उनको निर्देश देंगे, तो ये सब का वर्णन है। तो यहां प्रभुपाल लिखते हैं ऐसा करने से पति उनकी सुंदरता से आकृष्ट होगा और उपयुक्त मानसिक स्थिति तैयार हो सकेगी, तब पत्नी के गर्भ में स्थानांतरित हो सकेगी और उस गर्भ धारण से अच्छी संतान उत्पन्न हो सकेगी। तो वास्तव में प्रक्रिया क्या है, गर्भाधान, ये चेतना का, पति की चेतना है वो पत्नी के गर्भ में प्रवेश करती है और पत्नी की चेतना से उस बालक का विकास होता है, है ना। और ये चेतना केवल एक समय के लिए नहीं है, जहां कोई ये विचार है कि एक संस्कार है गर्भाधान संस्कार, तो वे बहुत तैयारी करते हैं, एक दो साल गर्भाधान संस्कार के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन उसके बाद जब संतान प्राप्ति हो जाती है तो फिर वही मटेरियलिस्टिक जीवन है ना। ये कोई ऐसा विचार नहीं है, ये जीवन है पूर्ण रूपेण संतान प्राप्ति के बाद भी ऐसा जीवन जिसमें वो भक्ति में आगे बढ़े। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, चेतना, कॉन्शियसनेस। आधुनिक समाज में अच्छी संतान के लिए भी विचार है, लेकिन वो शारीरिक स्तर पर। एक विज्ञान का एक भाग है जैसे कहते हैं यूजेनिक्स, जहां पर विचार किया जाता है कि एक अच्छी स्त्री और अच्छे पुरुष की संगति से कैसे अच्छी संतान प्राप्त होंगी, लेकिन वो देखते हैं कि इनका शरीर क्या कहते हैं, जो शारीरिक संरचना है वो कैसी है, है ना, हष्ट पुष्ट है पुरुष और स्त्री, इस तरह से जो संतान आएगी वो भी इस प्रकार से बलवान और फिर उनमें कुछ बीमारी नहीं होगी, और ये सब विचार है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज यहाँ चेतना का प्रदान करना, ये विचार केवल हम देखते हैं वैदिक सभ्यता में है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने यहाँ वर्णन किया। हम यहाँ विराम लेंगे, यदि आपके कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। जी, किसी को कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। कोई भी हम
भक्तिमय सेवा में कोई कार्य करते हैं तो ऑफरिंग उस समय चेतना है महत्वपूर्ण। तो कभी कभी ऐसे क्योंकि भगवान है भावग्रही जनार्दन, भगवान वास्तव में सामग्री की भगवान को कमी नहीं है, है ना। हम सोचेंगे हमने आज 12 चीजें भगवान को अर्पण की, भगवान को अनगिनत लक्ष्मी आए चीजें अर्पण कर रहे हैं, भगवान उस भक्त का भक्ति भाव है वो ग्रहण कर रहे हैं, है ना। तो ये केंद्र बिंदु है। लेकिन अभी तो जल्दी है, 4 घंटे बजा दी और प्रेयर्स बोल दिया, या फिर कभी कुकिंग वो गड़बड़ हो गई, अच्छा सिमेंट का नहीं बना, मतलब प्रॉपर सिमेंट का नहीं बना है, तो इस समय मतलब कॉन्शियसनेस तो सही नहीं है, लेकिन उस समय ऐसा लगता है ठीक है अभी कर दो, क्या नुकसान होने वाला है। जी, आपका जो प्रश्न है कि कई बार हमें जल्दी जल्दी में ऑफरिंग करते हैं और हमारा चेतना है जल्दी करना है ऐसा, तो वो या एकदम हम अच्छा बनाने का प्रयत्न किए लेकिन इतना अच्छा नहीं बना तो क्या करना है। जो मैं समझ पा रहा हूँ इस प्रश्न से कि हमारा चेतना जो महत्वपूर्ण है, तो हम जल्दी कर रहे हैं किस लिए जल्दी कर रहे हैं, क्या कारण है। भगवान देखते हैं, यदि एक उदाहरण जैसे मंदिर के जब भक्त बाहर प्रचार में जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, तब ये चेतना है कृष्ण की सेवा करनी अधिक से अधिक ग्रंथ वितरण करके, तो जल्दी जल्दी हमें भगवान की सेवा में जाना है। हम 7 बजे नहीं निकलेंगे तो फिर लोग अपने दफ्तर चले जाएंगे और फिर हमें समय नहीं मिलेगा ग्रंथों को प्रचार करना, तो वो चेतना भी कृष्णमय चेतना है। जहां हम इस चेतना की बात कर रहे हैं कि मैं इतना समय क्यों दूं, भगवान को ऐसे रख दिया जल्दी ले ले तो इस तरह से, ये सही चेतना नहीं है। लेकिन हम देखते हैं 3 भक्त हैं 4 भक्त हैं, सुबह उठ के मंगल आरती करना, जप करना, अपना साधना अच्छे से करना और पुस्तक वितरण करना, सब कृष्ण की प्रीति के लिए, तो ऑफरिंग कर रहे हैं और 10 मिनट में निकलना है, ये विचार भी क्यों है, क्योंकि वहां जाकर हम कृष्ण को और प्रसन्न कर पाएंगे। तो उसमें विचार हो सकता है कि पुस्तक वितरण में हमारा जो भोग अर्पण करने का स्टैंडर्ड है और मंदिर में भगवान के लिए राजभोग का जो स्टैंडर्ड है ना, दोनों ही कृष्ण की प्रीति के लिए, दोनों की चेतना में यही है कि कैसे कृष्ण प्रसन्न हो। लेकिन एक स्तर पे एक और महत्वपूर्ण कार्य जुड़ा हुआ है, है ना। तो भगवान उस तरह से उसे देखते हैं ऐसे, तो हम जल्दी जाना चाहते हैं पुस्तक वितरण पर। या हम देखते हैं 2 भक्त किसी साइट पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनका मुख्य सेवा है मंदिर निर्माण करना, तो वहाँ जो भगवान की सेवा का स्तर है वो एक विशाल मंदिर की तरह नहीं हो, है ना, वो केवल सुबह उठ के खिचड़ी बनाएंगे क्योंकि हमें समय बचाना है, और भगवान को उस विनीत भाव से अर्पण करेंगे, कृष्ण स्वीकार करेंगे। तो भगवान देखते हैं कि हमारी क्या वर्तमान स्थिति है, उसका क्या उद्देश्य है और उसमें से हम किस भाव या समर्पण से कृष्ण की सेवा करते हैं। यदि हमारे पास सब व्यवस्था है, सब समय है, हमारे पास इतना सारा ऐश्वर्य है, लेकिन हम भगवान को केवल या कहते तो शक्कर का गोल गोल आता है, हाँ मिश्री और नहीं वो व्हाइट कलर का चिरौंजी, केवल वो हम अर्पण करते हैं और हम जब हम खाना खाने बैठेंगे तो हमारे पास 5 प्रकार की सब्जियां हैं, तो वो कृष्ण देखते हैं कि ये चेतना सही नहीं है, तो इसका विचार होता है। यहां एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम देखते हैं जो भक्त है उनका जो मनोभाव है कि केवल अपना अपना मुक्ति नहीं देखना, स्वविमुक्ति कामा, ये भक्तों का उद्देश्य नहीं है। प्राण मार्ग कहते हैं मौनम चरंती विजनेन परार्थ निष्ठा, कि हमें सबके प्रगति के लिए प्रचार करना चाहिए, भक्तों को भक्ति मिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है ना।
तो विशेष रूप से हम देखते हैं एक पुरुष हैं, वो प्रचार के योजनाएं बनाना और उनमें भाग लेना। कई बार माताएं विचार करती, हम कैसे प्रचार करेंगे, तो हम भी पुरुष की तरह ही सब जगह भ्रमण करेंगे और प्रचार करेंगे। लेकिन यहां वर्णन आता है कि वे महान प्रचार करते हैं पति पुत्र के माध्यम से, ये उनकी सेवा है। तो यहां देवहूति जिस प्रकार से, जिस चेतना में अभी कपिल देव आएंगे, और ऐसे माताएं ऐसी संतानों का इस जगत में आगमन करने से, और उनका पूरा जीवन जाएगा उनके प्रशिक्षण करने में, और वो जो प्रचार करने की उनकी अभिलाषा है वो उनके पुत्र के माध्यम से आगे होगी। ये विचार ऐसे मैं देख रहा था कि उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। ये पुस्तक है आज की नारी कल की संस्कृति, उसमें परम पूज्य भक्ति विकास महाराज एक उदाहरण देते हैं। शास्त्रों के नियमों के अनुसार मंदिरों में, गर्भगृहों में माताओं को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ कारण, महीने में कुछ दिन माताएं इस अवस्था में नहीं है, तो उन्हीं के पुत्र, उन्हीं के चरण का, उनके चरण को प्रणाम करके, उनके चरण की धूल अपने सिर पर रखकर, वो कहते हैं मातृदेव भव, और वे भगवान के प्रमुख पुजारी है, तो वे सेवा कर रहे हैं अपने विस्तार के माध्यम से, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, है ना। इस प्रकार से एक पिता है ना, जो पूर्ण समर्पित सेवा नहीं कर पाया, यद्यपि उनके पुत्र को प्रशिक्षण करे और वे भगवान के महान प्रचारक बने, तो वो पिता का ही प्रतिनिधि के रूप में भगवान की सेवा कर रहा है। तो ये यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इस जो वाक्य समझाते हैं यहाँ पर कि पुत्र जो है वो माता पिता के गुणों का विस्तार है, और इस तरह से ये वैवाहिक जीवन इन गुणों का विस्तार करने के लिए है, सद्गुणों को, कृष्ण भावना भावित गुणों का विस्तार करने के लिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।